नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। समय की कमी और आलस के चलते हम में से कई लोग अक्सर वर्कआउट करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। कई लोगों को यह महत्वपूर्ण नहीं लगता है। वार्म अप करने से आपके शरीर में लचीलापन बढ़ता है, यह वर्कआउट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वार्म अप करने से शरीर की स्टेट से व्यायाम करने की स्थिति में आता है। इसका मतलब है हार्ट रेट, बॉडी कोर एक्सरसाइज के साथ हमारा शरीर भी फिजिकल एक्टिविटी करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। वार्म अप किसी भी तरह की संभावित चोट को रोकता है या जोड़ों की गति को बढ़ाने के साथ साथ लचीला बनाता है या मांसपेशियों के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है या मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। वर्कआउट करने के बाद मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज करने से 10 से 15 मिनट पहले तक वार्म अप करना चाहिए। हमेशा हल्के से मीडियम इंटेंसिटी में वार्म अप करना चाहिए। आप कार्डियो एक्टिविटी के लिए हल्की वॉकिंग, साइकिलिंग, हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं। मसल्स के लिए शोल्डर सर्कल और नेक रोटेशन कर सकते हैं। तो आप भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले वार्म अप जरूर करें।